खबर पटना से है, जहां बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सुशील मोदी ने कल पटना में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपनी शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उन्होंने ये आरोप लगाते हुए अदालत से आग्रह किया है कि रामानंद यादव के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करके उन्हें न्यायालय में पेश किया जाए और ट्रायल शुरू किया जाए और उसके बाद उन्हें सजा दी जाए। सुशील मोदी ने कहा कि यादव ने मंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि मोदी ने पटना के लोदीपुर में उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर कोर्ट से हारने के बाद भी माल का निर्माण कराया था। रामानंद यादव ने यह भी आरोप लगाया था कि सब्जी बाग की क्रिश्चियन सोसाइटी की जमीन पर भी सुशील मोदी ने जबरदस्ती कब्जा करके खेतान मार्केट बनाया था। पिछले महीने रामानंद यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान जारी किया था और ये बयान सभी मीडिया पर प्रमुखता से प्रसारित हुआ था। सुशील मोदी के द्वारा कानूनी नोटिस दिए जाने के बावजूद आज तक ना तो अपने आरोपों के समर्थन में रामानंद यादव ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया और न ही सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना मांगी। सुशील मोदी का कहना है कि रामानंद यादव के द्वारा जनता की नज़रों में उनकी छवि खराब की गई है और इसी मकसद से उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया, जो कि पूरी तरह से भ्रामक और बेबुनियाद है। श्री रामानंद यादव ने पिछले दिनों मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि डिप्टी सीएम रहते हुए मैंने पटना के सब्जी बाग और लोदीपुर के इलाके के अंदर क्रिश्चियंस की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करवाकर खेतान मार्केट एवं लोदीपुर मॉल का निर्माण करवाया। ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। श्री रामानंद यादव ने आज तक अपने आरोप के पक्ष में न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, न कोई दस्तावेज रखा, न ही उन्होंने माफ़ी मांगी, और ये एक साजिश थी मेरी छवि को समाज में खराब करने की, और इसलिए मैंने सीजीएम कोर्ट में यह मानहानि का मुकदमा दायर किया है। पिछले दिनों श्री मनोज झा और श्री चितरंजन गगन ने भी इसी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे, उन पर भी मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। पिछले दिनों पटना के सीजीएम कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए उन पर उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया है। तो अगर रामानंद यादव अगर हिम्मत है तो कागज प्रस्तुत करें। इस मॉल से मेरा दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं है और मैंने पहले भी घोषणा की थी कि अगर ये मॉल से मेरा कोई भी संबंध होगा तो मैं पूरा का पूरा मॉल उसकी जमीन सहित लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन आज लगभग एक महीना हो गया, आज तक न कोई दस्तावेज न कोई प्रमाण प्रस्तुत कर पाए और फिर उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं बता रहा हूँ म्युनिसिपैलिटी लिमिटेड के बारे में, मैं म्युनिसिपैलिटी लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ। ये मैं पहले आपको क्लियर करूँ क्योंकि उनसे हमारा बैटल चल रहा है अभी। वो एक मिशनरी जमीन है, मिशन की जमीन बेची नहीं जाती, वो जमीन बेची गई, वहाँ सदियों पुराना स्कूल था। ये चीज आपने बता दिया है उत्कर्ष कंपनी का वो जो रजिस्टर्ड डीड है उसमें नाम एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हरीश कुमार मोदी और एक है मेरे पास जो डीड मौजूद है। मंत्री जी को बोलने दीजिए सर, मंत्री जी को बोलने दीजिए ना सर, किसका नाम है? अरे भाई पीछे करो ना यार सर, तो फ्रेम में आ रहा है ना। सर हरीश कुमार मोदी एवं सुधय कनौरिया एवं अन्य व्यक्ति का नाम है जो कागजात में है और बाकी अभी बोलेंगे। सुशील मोदी पे आरोप लगाया, सुशील मोदी पे आप लोगों ने आरोप लगाया, इनका परिचय मैं बोल देता हूँ। अभी बाकी है जो ये दिया नहीं बोल रहे, ये दिया इन पर भी हम बोलेंगे तभी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो आपके समक्ष हमने रखी हैं, ये पारावटरी की बातें और ये जो धीरज फ्रेम पूरा सही करो ना यार, बंद भी कर लो वहाँ टेढ़ा करके पूरा फ्रेम नीचे करो ना। अब मैं आपके पास बताता हूँ, राम नरेश सिंह और केस के
आश्वासन दिया कि जो यहाँ बन रहा है सुशील मोदी एवं उनके भाई महावीर मोदी का इसमें संलिप्तता है, तो हम इस कॉपी का आगे जांच करावेंगे। लेकिन उनको तो हम मानहानि करके संपर्क करने हम भी उन पर केस करने का नोटिस दे दिया, वो तो अलग है। लेकिन इनके कहने पर मैं जांच कराने के लिए बोला, बाकी बतावेंगे। लेकिन सुशील मोदी जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप आपने आपने रामानंद में लगाए सारे गलत है, मानहानि करेंगे। आरोप लगाए नहीं, आरोप इनके द्वारा का लगाए गए हैं, जांच करावेंगे। वही जांचों के दरमियान जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगी। आरोप के बारे में इनका लिखित जो आवेदन है तो मैं उस पर जांच कराने के लिए बोला कि इनका नाम लिए लिखित है मेरे पास, ये जांचों उपरांत अगर जांच में जो आवेगा उस पर कौन ए राम नरेश सिंह जो जमीन के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।